नमस्कार, मैं हूँ संगीता वसोया। इंडिया होम कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चटपटे नमकीन कुरकुरे मसाला काजू की रेसिपी। ये क्रिस्पी नमकीन काजू हम मैदा से बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। एक बाउल में 2 कप जितना मैदा लेंगे। यहाँ पर मैदा मैंने छान के साफ कर लिया है। मैदे में हम 1 चम्मच जितना अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों में लेके क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालने से काजू नमकीन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे हम 1 चुटकी जितना बेकिंग सोडा डालेंगे। 1/4 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर डालेंगे। स्वाद के हिसाब से 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे। काजू नमकीन को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 चम्मच जितना शुद्ध देसी घी का मोन लगाएंगे। मैदा में हम घी का मोन अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करके लगा लेंगे। अब मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटा गूंथेंगे। मैदे में हम एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे हमें नॉर्मल आटा लगाना है। ये देखिए, ना ही तो ज़्यादा पतला ना ही तो ज़्यादा सख्त, इस तरह से हमें आटा लगाना है। आटा हमने लगा लिया है। अब हम आटे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के ग्रीस करके इसे फिर से अच्छी तरह से मसल लेंगे। आटे को अच्छी तरह से मसलने के बाद आटा हमारा अच्छी तरह से लग गया है। अब हम आटे को 15 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम आटे की इस तरह से बड़ी बड़ी लोइयां बना लेंगे। बनाई हुई लोई में से एक लोई लेके हम इस तरह से चकले के ऊपर बेल लेंगे। इसे हम इस तरह से बेल के रोटी से थोड़ी जाड़ा बेल लेंगे। ये देखिए, रोटी को हमने इस तरह से चकले की जितना बड़ा बेल लिया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से एक ढक्कन ले लिया है। आपके पास अगर ऐसा ढक्कन नहीं है तो आप दवा का, बॉटल का, 1 इंच से बड़ा कोई भी ढक्कन ले सकते हो। बेली हुई रोटी को हम इस तरह से बीच में ढक्कन रख के एक साइड से दबाते जाएंगे और काजू बनाते जाएंगे। ये देखिए, कोई भी गोल ढक्कन से इस तरह से काजू का शेप देना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ढक्कन की मदद से बहुत ही आसानी से हमारा काजू का शेप बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए, है ना बहुत ही आसान ढक्कन की मदद से काजू की कटिंग करने का। बचे हुए आटे को हम फिर से बेल के काजू के शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे आटे का मैंने काजू बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है। ये देखिए, तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हम एक एक करके सारे काजू को फ्राई करने के लिए डालेंगे। फ्राई करने के लिए काजू को हम एक एक करके ही डालेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। काजू को हम इस तरह से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई करेंगे। ये मैदा के काजू है इसलिए हम गैस की आंच को मीडियम रख के इसे पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि ये मैदा अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, काजू हमारे अच्छी तरह से अंदर से पक गए हैं और ऊपर से बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बचे हुए काजू को हम इसी प्रकार फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे काजू बने हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर के ऊपर डालेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम काजू के ऊपर डालने के लिए चटपटा मसाला तैयार करते हैं। 1 चम्मच काला नमक लेंगे। 1 चम्मच जितना अमचूर पाउडर लेंगे। 1/4 चम्मच जितनी हींग। 1 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर लेंगे। 1 चम्मच कश्मीर लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो। सारे मसालों को मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम एक बोल में फ्राई करे हुए काजू डालेंगे। अब हम काजू के ऊपर मिक्स किया हुआ मसाला डालेंगे।
मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम काजू में मसाले को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला काजू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे इस तरह से टोस्ट करते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो तैयार है हमारे टेस्टफुल हल्के फुलके काजू नमकीन। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम काजू नमकीन को एक डिश में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी नई नई मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।